हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल की फार्मेसी। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिनोल। आइए देखते हैं फिनोल क्या होता है और फिनोल का स्ट्रक्चर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, ये है स्ट्रक्चर फिनोल का। बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप अटैच है। फिनोल को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे C6H5OH। तो ये क्या हुआ, इसका अगर नोमेनक्लेचर करें तो हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये स्ट्रक्चर फिनोल का है, ठीक है। देन व्हाट इज फिनोल? फिनोल्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड डायरेक्टली टू एन एरोमेटिक रिंग। अभी जैसे मैंने ऊपर बताया कि फिनोल के ऊपर OH ग्रुप अटैच होता है ना। फिनोल क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर या एरोमेटिक रिंग के ऊपर OH ग्रुप अटैच है। तो ये OH ग्रुप कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो फिनोल क्या है, कंपाउंड है जो कि हाइड्रोक्सी ग्रुप को कंटेन करता है और डायरेक्ट अटैच होता है एरोमेटिक रिंग से। तो ये है फिनोल। लाइक एल्कोहल, दे मे बी मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स दैट कंपाउंड कंटेन। एग्जाम्पल देखें इसका, तो जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल क्या होता है, इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, है ना। तो ये क्या है, जिस कंपाउंड में, ये कौन से कंपाउंड हुए, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड की, तो ये सिमिलर होता है नॉन एरोमेटिक से, ठीक है। तो ये कौन कौन सी फॉर्म हो सकती हैं फिनोल की, एक तो मोनोहाइड्रिक हो सकता है और एक पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड हो सकता है जिसके जिसमें OH ग्रुप अटैच होता है, यानी एक से ज़्यादा अगर OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होंगे तो वो फिनोल क्या होगा, एक कंपाउंड है जो कि OH ग्रुप को कंटेन करता है। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप का नंबर होगा उतने ही ज़्यादा उनके नाम चेंज हो जाएंगे, वो मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का एग्जाम्पल फिनोल, क्योंकि इसमें एक OH ग्रुप अटैच है, यानी कि बेंजीन रिंग से यानी एरोमेटिक रिंग से हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच है। तो ये कैसा कंपाउंड है, मोनोहाइड्रिक। तो इसका मैंने अभी पीछे नाम बताया था, हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये बेंजीन रिंग है यानी कि एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग के ऊपर एक ही OH ग्रुप है और दूसरा जो ग्रुप है वो NO2, ये अलग ग्रुप हुआ, है ना। इट मीन्स कि बेंजीन रिंग में एक ही OH ग्रुप अटैच होगा और वो क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक। इसका एग्जांपल ये है, मतलब नाम इसका 4-नाइट्रोफिनोल, है ना। 4 पोजीशन पे है, अगर OH पे हम मार्किंग करें 1, फिर देन 2, फिर देन 3 एंड देन 4, तो NO2 कौन सी पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे, इसीलिए 4-नाइट्रो, क्योंकि NO2 नाइट्रो ग्रुप है। एंड देन फिनोल, OH बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, फिनोल का, तो इसीलिए 4-नाइट्रोफिनोल। और ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, मोनोहाइड्रिक कंपाउंड के। अब बात करते हैं पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड कौन से होते हैं, आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये ग्रुप है, ये एरोमेटिक रिंग है और एरोमेटिक रिंग में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हैं। जब एक से ज़्यादा ग्रुप अटैच होंगे तो वो कौन से कंपाउंड बन जाते हैं, पॉलीहाइड्रिक। इसका नाम क्या होगा, कैटीचोल। एंड देन सेकंड एग्जांपल, बेंजीन रिंग है और रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे भी OH है और थर्ड पोजीशन पे भी OH है, तो ये किसका नाम क्या हुआ, इसका रिसोर्सिनॉल,
ठीक है, जहाँ पे ओ एल अटैच होगा कंपाउंड में लास्ट में, वो किसका क्या इंडिकेट करेगा? फिनोल को इंडिकेट करेगा, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट, एसिडिटी ऑफ फिनोल। फर्स्ट, फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल बट लेस सो देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या है, जो हमारा फिनोल है वो फिनोल कौन सा फिनोल, बेंजीन रिंग से OH ग्रुप अटैच है, तो ये क्या है, फिनोल यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होते हैं नॉन एरोमेटिक एल्कोहल से, यानी कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से। तो फिनोल यहाँ पे ज़्यादा एसिडिक है कंपेयर टू एल्कोहल, बट लेस सो देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। अब एल्कोहल कम लेस एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड से और कार्बोनिक एसिड से। आइए इसको देखते हैं, फिनोल्स, फिनोल मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू एल्कोहल। एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड से, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक है। तो ये सीक्वेंस है। देन सेकंड, फिनोल्स आर एसिडिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फिनोक्साइड आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। फिनोल एसिडिक है क्योंकि फिनोक्साइड आयन का स्टेबल फॉर्मेशन की वजह से, मतलब अगर फिनोक्साइड आयन एक्वस सॉल्यूशन में है तो उसका फॉर्मेशन क्या है, स्टेबल है। तो स्टेबल होने की वजह से फिनोक्साइड आयन स्टेबल है, इसी वजह से फिनोल ज़्यादा एसिडिक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फिनोल्स इट्स सेल्फ गिव्स फिनोक्साइड आयन्स इन डिसोसिएशन, इट इज स्टेबल ड्यू टू रिजोनेंस। फिनोल्स को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो वो फिनोक्साइड आयन क्या होंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, है ना। फिनोक्साइड आयन डिसोसिएट होंगे, और ये डिसोसिएशन किसकी वजह से होगा, रिजोनेंस की वजह से, क्योंकि जो स्टेबिलिटी है फिनोक्साइड आयन की वो रिजोनेंस की वजह से है। फिनोल्स अपने आप ही फिनोक्साइड आयन देता है, और देने के बाद वो डिसोसिएट होने लगता है सॉल्यूशन में। फिर अगर आप देखोगे तो ये एक स्टेबल कंपाउंड है क्योंकि रिजोनेंस हो रहा है इसमें। एग्जाम्पल फिनोल, फिनोल का अगर हम डिसोसिएशन देखें तो ये अपने आप ही फिनोक्साइड आयन देता है, तो ये क्या है, फिनोक्साइड आयन। ठीक है, और फिनोक्साइड आयन होने के बाद ही फिर से फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, इसमें से OH ऊपर अटैच था फिनोल में, तो यहाँ से H रिमूव हो जाएगा और O रह जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड आयन। ठीक है, अब रिजोनेंस क्या है। फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो, जो हमारा ऊपर फिनोक्साइड आयन मिला था फिनोल से, अब उसके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज आ गया था। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज जो ओ के पास है, ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, ठीक है, मूव करेगा, यानी कि ये मूव करेगा सेकंड में, देखो फिर नेक्स्ट पोजीशन पे मूव किया, फिर थर्ड में भी नेक्स्ट पोजीशन पे मूव किया, फिर फोर्थ कंपाउंड में भी नेक्स्ट पोजीशन पे मूव किया। तो ये क्या है, रिजोनेंस, यानी कि इसमें नेगेटिव चार्ज का स्प्रेड आउट हो रहा है पूरे स्ट्रक्चर में। तो द नेगेटिव चार्ज इज स्प्रेड थ्रू आउट इन द बेंजीन रिंग एंड देयर बाय इफेक्टिवली डिस्पर्स्ड। तो ये नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग में मूव करेगा, पूरे रिंग में मूव करेगा, बेंजीन रिंग में, और इसके बाद ये डिस्पर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यही है रिजोनेंस ऑफ फिनोल। नेक्स्ट, दिस चार्ज इज डिलोकलाइजेशन इज एक्ट एज स्टेबलाइजिंग फैक्टर इन द फिनोक्साइड आयन्स।
तो ये जो चार्ज है ये डिलोकलाइज हो जाएगा और स्टेबल फैक्टर की तरह ये आयन फिनोक्साइड आयन स्टेबल फैक्टर की तरह ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट्स इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। फर्स्ट दे आर टू डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ सब्सिक्वेंट सीन ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। हमें दो इफेक्ट सब्सिट्यूएंट के दो टाइप के इफेक्ट देखने को मिले एसिडिटी ऑफ फिनोल के, है ना। फिनोल की एसिडिटी में हमें दो डिफरेंट टाइप के इफेक्ट सब्सिट्यूएंट के मिले। फर्स्ट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सिट्यूएंट। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सिट्यूएंट की वजह से एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ता है फिनोल की, देखते हैं इसको। एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स सच एज NO2, Cl, Cn, CHO, COOH प्रेजेंट ऑन एरोमेटिक रिंग इज एसिड स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है जैसे NO2 हो गया, Cl है, Cn है, CHO है, COOH है, ये अगर एरोमेटिक रिंग में प्रेजेंट हैं तो ये मोर एसिडिक हैं। इन्हीं की वजह से जो कंपाउंड है फिनोल है ना, फिनोल के मैंने पहले उसमें फिनोल में ही बताया था कि मोनोहाइड्रिक कंपाउंड का जो एग्जांपल दिया था तो उसमें NO2 ग्रुप अटैच था, है ना, फिनोल के नीचे पोजीशन फोर्थ पोजीशन पे। तो वो इसीलिए ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि उसमें NO2 ग्रुप अटैच है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्सिट्यूएंट अटैच है, तो इसी वजह से ये क्या हुआ, मोर एसिडिक। नेक्स्ट इट अनेबल्स द रिंग टू मोर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ रिजल्ट इन अ स्ट्रोंगर एसिड। मोर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ होने की वजह से फिनोल क्या है, स्ट्रोंगर एसिड है। एग्जाम्पल पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन फिनोल। पैरा नाइट्रोफिनोल ज़्यादा एसिडिक है फिनोल से, क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, NO2, नाइट्रो ग्रुप, मोर एसिडिक। फिनोल क्या होगा फिर, जब NO2 अटैच हो जाएगा मोर एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर टू फिनोल से। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्सिट्यूएंट्स। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्सिट्यूएंट से क्या फर्क पड़ेगा एसिडिटी में, फिनोल की एसिडिटी में। एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स सच एज CH3, OCH3, NH2 प्रेजेंट ऑन एन एरोमेटिक रिंग देन एसिड वीकनिंग। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर रिंग में, एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन सा, CH3, OCH3, NH2, ये ग्रुप अगर एरोमेटिक रिंग में प्रेजेंट हैं तो इनकी वजह से जो फिनोल की एसिडिटी है वो कम हो जाएगी, यानी कि वीक हो जाएगी। ठीक है, देन एग्जाम्पल पैरा क्रिसोल इज मोर एसिडिक देन फिनोल। अगर हम पैरा क्रिसोल को, जिसमें हाइड्रोक्सी मतलब दो ग्रुप अटैच थे OH और OH, यानी कि पोलोहाइड्रिक कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होते हैं अगर आप फिनोल से कंपेयर करो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा आईडी की फार्मेसी। एक रिलेटेड एनी क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।